गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। और देख सकते हैं अभी हम लोग आए हैं नारंगी सर सिंह का खेल ग्राउंड में, और यहाँ पे दोस्तों होने वाला है असोई वर्सेस पुंगी के बीच में। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, चलिए फर्स्ट टीम लोग बढ़ रही है और चलिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, मतलब सील भी होने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं, फर्स्ट टीम लोग बने रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं और अब चलते हैं आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कितना कप है और कौन सा जो कप है विनर को मिलेगा। और तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे असोई टीम का कैप्टन आए हुए हैं और यहाँ पे ग्राउंड पे आ गए अपने ड्रेसर को। तो चलिए इनसे बात करते हैं, और आज क्योंकि 25 ओवर का खेल होने वाला है, आज 25 ओवर का खेल होने वाला है। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि इनका मन में क्या चल रहा है और अपने कितने धुरंधर बल्लेबाज को लाए हैं और कितना तक टारगेट, यदि टॉस जीतते हैं तो कितना तक ये टारगेट देंगे। तो भैया जी, सबसे पहले तो आप तो बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप यहाँ तक स्ट्रगल करके पहुँचे हैं और आपका बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। आपको छोट गए थे जूम, आगे बढ़ जूम छोट गए तो छोड़ना भाई, जैसे हम चाहते हैं भाई जी घटने लगा आगे। तो आज का 25 ओवर का मैच होने वाला है। अरे 25 ओवर जाए अच्छा, तो मतलब आप टॉस जीतते भी हैं तो पहले बॉलिंग करने का मतलब आप फैसला कीजिए। अच्छा, तो कितना तक आप चाहते हैं कि अगला टीम को समेट सके, 150-60 के अंदर में समेट। तो चलिए भैया जी हैं और देख सकते हैं यहाँ पे प्लेयर लोग आए हुए, बढ़िया बढ़िया प्लेयर लेके आते हैं हमेशा, इनका टीम बहुत मजबूत रहता है। और यहाँ तक पहुँचे हैं तो समझ सकते हैं फाइनल पहुँचे तो अच्छा टीम होगा। अगला टीम से पूछते हैं और उनका क्या मतलब राय रहेगा, पहले बल्लेबाजी करेंगे या बैटिंग मतलब फील्डिंग करेंगे। तो कंटिन्यू बॉल बढ़ रही है, चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ पे आगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फुलाहट टीम का भैया जी कैप्टन है, तो इनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ये लोग खेले हैं तो जाके यहाँ पे फाइनल प्रोग्रेस किए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। और देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग भी प्रेशर होकर यहाँ पे ग्राउंड पे आ गए हैं। और चलिए इनसे बात करते हैं कि टॉस उड़ेगा, यदि आप टॉस जीतते हैं तो पहले फील्डिंग करने के लिए ट्राई कीजिएगा कि बैटिंग कीजिएगा। कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टीम मीटिंग चल रही है, पहले बैटिंग। अच्छा, तो देख सकते हैं यदि सर लोग यदि टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग करेंगे, और क्या टारगेट आप रखे हैं 25 ओवर के यहाँ पे मैच होने वाला है आज के? अभी तो कोई घोषणा नहीं हुआ है, जैसे घोषणा होता है उसका तो भाई मुनिया रावल 25 ओवर मैन मोटा मोटी टारगेट। टारगेट मैच के पहले तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन जो ग्राउंड का स्कोर है एवरेज स्कोर, जैसे कि आप 20 ओवर में 200-220 के आसपास देखते हैं, कुछ करेंगे 260-270 के आसपास। तो देख सकते हैं भैया जी बता रहे हैं कि 260-270 हम लोग का टारगेट रहेगा, उससे बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो आपको अग्रिम जीत के बधाई सर जी, और अच्छा खेलिए और जीतिए, हमारा मतलब यही इच्छा है कि हमारे लोकल का ही रह जाएगा फुलार का, और कभी आप जीते नहीं हमको लगता है एक बार नहीं, इसके बाद हम लोग तीन बार ट्रॉफी हम लोग जीत चुके हैं, लेकिन फुलार के लिए अभी कोई ट्रॉफी नहीं है, हम लोग फुलार टीम से जुड़े हुए हैं, कोशिश करेंगे इस बार वो ट्रॉफी फुलार के। हाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं ये फुलार की जो टीम से थे, मतलब ये भैया लोग जीते हुए हैं लेकिन फुलार टीम से मतलब खेलते थे नाम से, तो एक बार अब ट्रॉफी जीते हुए नहीं है और कोशिश करते हैं कि इस बार मतलब जीत के रहेंगे, क्योंकि इस बार अच्छा इन लोगों का परफॉर्मेंस है और बॉलिंग भी इन लोगों को देखिए बहुत अच्छा है। तो चलिए अभी आगे की ओर देखते हैं और कंटिन्यू बोलोगे बना रही है और आपको पूरा एक एक न्यूज़ दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या। और दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पे टॉस होता है और कंटिन्यू बोलोगे बना रही है, दिखाते हैं आपको टॉस में कौन सा टीम जीतता है टॉस और कौन टीम मतलब बॉलिंग चुनते हैं। तो जब तक कंटिन्यू बोलोगे बना रही है, चलिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और आज है फाइनल, और फाइनल आज दोस्तों 25 ओवर का होने वाला है, और आज असोई बनाम फुलार के बीच खेला जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं खचा खच यहाँ पे मतलब दर्शक लोग भरा हुआ देख सकते हैं। कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी के लिए आपने जो निर्णय लिया है असोई के टीम को कितने रन बनाने की कोशिश रहेगी, आपकी गेंदबाजी का देखने को मिलेगी आज? ये ग्राउंड में जैसे हाईएस्ट स्कोर ग्राउंड रहा है, यहाँ पे हमेशा रन बनते हैं, तो कोशिश करेंगे हमारे पास अच्छे गेंदबाज हैं और बड़े स्तर के गेंदबाज हैं, तो कोशिश करेंगे कि 170-180 के आसपास रोकेंगे ये, क्योंकि हमारे पास अच्छे बल्लेबाज भी हैं। धन्यवाद, अच्छी इन्होंने अपना एक डिसीजन दिया है कि कम से कम टोटल रन बनाने की कोशिश करेंगे, वही मैं अशोक के कैप्टन से आग्रह करूंगा वो सामने आ जाए।
और दोस्तों यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में होंगे डॉक्टर विमल मुकेश जी जो पटना पीएमसीएच का डॉक्टर है और आसिम मियां जी बक्सा पंचायत का मुखिया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है कंट्री बलों को चलो दिखाते हैं। और भारत से रक्षण करने का उन्होंने फैसला लिया। उनका स्पीच था कि असोई की टीम को असोई तो मेरा ननिहाल है, आपको पता है कि नहीं असोई मेरा ननिहाल है। दोस्तों यहाँ पे दर्शन लोगों पे प्रोफाइल दिखा रहे हैं और यहाँ पे विमल मुकेश जी है डॉक्टर पीएमसीएच पटना और चुकी बक्सा पंचायत का मुखिया हासिल जी है और वहीं बक्सा पंचायत का अध्यक्ष श्री हरिंदर राय जी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली असोई की टीम ने 86 रन ही मात्र बना पाया है, ऑल आउट हो गया उसके। और चेस करने उतरी फुलार की टीम ने यहाँ पे 7वां ओवर में अपना ट्रॉफी जो है अपने नाम कर लिया और इस मुकाम को जीत लिया है। यहाँ से कई बार हम लोग मैच खेले आए हैं और अच्छा किए हैं और हम लोग फाइनल यहाँ उठाए हैं। कैप्टन को देंगे जोरदार तालियां, ताली में कभी किसी नहीं मिले दोस्तों। फिर आप कर लीजिए रनर को आगे से खेलना चाहिए। हाँ स्वागत